तो दोस्तों इस स्टेप को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाना है, और सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अपने दोनों लेग्स को इस तरह से ज्वाइन करके रखेंगे, और आपको अपने दोनों हैंड्स को रखना है यहाँ पे ऐसे पॉकेट यहाँ पे, तो पॉकेट को पकड़ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कमर पे हैंड को रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि जंप करना है पहले राइट साइड इस तरह से, एंड फिर लेफ्ट साइड इस तरह से, और जब जंप करेंगे हम तो हमारा जो लेग्स है ऐसे लेग्स को फोल्ड करेंगे जंप करते टाइम, देखिए ऐसे 1 2 ठीक है, और बॉडी का जो मूवमेंट है इस तरह से रखेंगे, ऐसे बैंड होगा इधर एंड फिर इधर, जब इधर जंप करके जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे रखेंगे बॉडी को, इधर जाएंगे तो ऐसे रखेंगे। ये दो स्टेप आपको जंप करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि अपने बॉडी को हमें जंप करना है लेग को ऐसे ऊपर फोल्ड करके, लेग को पूरा ऊपर तक उठाएंगे और जंप करेंगे राइट एंड लेफ्ट। एक बार फिर से करते हैं काउंट पे, चलिए 5 6 7 को रेडी 1 2 ओके। एंड ये दो स्टेप जंप करने के बाद आपको क्या करना है कि राइट लेग को यहाँ से पीछे लेना है और एक बार ऐसे किक करना है, जैसे फुटबॉल रखा उसको कैसे किक करते हैं वैसे आपको किक करना है, लेग को पीछे लेंगे किक करेंगे, और जो पैर हमारा यहाँ पे जाएगा यहाँ से पैर जब ऊपर उठाएंगे ऐसे ये, तो यहाँ तक तो ऐसे नॉर्मल ले जाएंगे, जब ऊपर उठाएंगे तो जंप करेंगे इस तरह से ठीक है 1 2 यहाँ पे जब पैर ऊपर उठाते हैं तो एक जंप करेंगे, ये पैर भी ऊपर उठाएंगे और यहाँ से ये पैर को ऐसे रख देंगे। फिर से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट और लेफ्ट ऐसे 1 एंड 2 जंप करना है, एंड यहाँ से पैर को ऐसे किक करेंगे, और जब यहाँ से ऊपर उठाएंगे लेग को तो इस तरह से उठा के ऐसे रखेंगे, और साथ में ये पैर भी उठाएंगे 1 2 ओके। एंड इसके बाद आता है हमारा कमर का स्टेप, तो यहाँ तक एक बार फिर से करते हैं फिर कमर का स्टेप देखेंगे ठीक है, फिर से चले 5 6 7 को रेडी 1 2 3 एंड 4 ओके। एंड गाइज इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों हैंड्स को ऐसे ओपन करेंगे, और सबसे पहले आप लेग का समझ लीजिए कि हम इस कमर के स्टेप में, इस स्टेप में हम अपने लेग का मूवमेंट क्या रखते हैं। आपको क्या करना है कि ये पैर को जो आगे पैर है हमारा ये आगे इस तरह से उठाएंगे और पैर को इस तरह से मोड़ेंगे ठीक है, जैसे ये पैर उठाते हैं सबसे पहले पीछे का पैर उठाएंगे ठीक है, एंड जैसे ही पीछे वाला पैर रखेंगे हमारा आगे का पैर ऐसे उठेगा, फिर आगे का पैर रखेंगे ये पीछे इस तरह से। तो सबसे पहले आपको लेग मूवमेंट को समझना है, तो लेग मूवमेंट बिल्कुल इस तरह से करते हैं, ये पैर पीछे जो पैर है हमारा लेफ्ट लेग इसे उठाएंगे पहले एंड इसे रखेंगे आगे का पैर इस तरह से, फिर आगे का पैर रखेंगे पीछे पैर हमारा इस तरह से उठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। एंड इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इसमें आगे वाले पैर को रखेंगे हम तो हमारा कमर जो है आगे जाएगा, और जैसे पीछे वाले पैर को रखेंगे तो हम अपने कमर को बिल्कुल पीछे लेकर आएंगे, और आपका इसमें जो कमर है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कमर का कुछ इस तरह से ऐसे राइट लेफ्ट आगे पीछे ऐसे राउंड थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है कमर का, ताकि जब आप इस स्टेप्स को करें, इस स्टेप को सीखें, तो आपको सीखने में आसानी हो। तो आपको क्या करना है इस स्टेप में, कमर का स्टेप जो है जैसे ही लेग को आगे रखेंगे हमारा कमर बिल्कुल आगे जाना चाहिए, और ये हैंड दोनों ऐसे पीछे जाएगा कमर आगे ओके, और जैसे ही पीछे वाले पैर को रखेंगे तो हमारा कमर बिल्कुल पीछे जाएगा और ये हैंड ऐसे आ जाएगा ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मेन स्टेप यहीं पे है ठीक है। सबसे पहले हैंड्स को ऐसे ओपन करके रखिए, जैसे ही आगे वाले पैर को रखेंगे तो कमर आगे और हैंड दोनों इधर जाएगा ओके, जैसे ही पीछे वाले पैर को रखेंगे तो हमारा कमर ऐसे जितना इधर आगे लेकर आ सके, और लेग मूवमेंट आपको इस तरह से रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो एनर्जी है तो वो आपको ऐसे आगे नहीं लगाना है, जो हम स्टेप कर रहे हैं इसमें आपको क्या करना है कि इधर मारना है कमर, जब इधर पीछे लेकर आएंगे तो आपको एनर्जी पीछे लगाना है, क्योंकि इसमें जब हम स्टेप को करेंगे देखिए ऐसे नॉर्मल करेंगे एंड पीछे करेंगे नॉर्मल, समझ में आ रहा है आपको, तो हमें जो एनर्जी लगाना है वो पीछे की साइड, जब कमर इधर पीछे पैर को रखेंगे तो उस टाइम में थोड़ा सा एनर्जी से करना है। एक बार फिर से काउंट पे करेंगे इस स्टेप को, सबसे पहले आगे वाले पैर को रखेंगे कमर आगे 1 एंड पीछे वाले पैर को रखेंगे 2, फिर आगे वाले पैर को रखेंगे 3 4 5 6 7 8 ओके। स्टार्टिंग से करते हैं एक बार, सबसे पहले दोनों हैंड यहाँ पे रखेंगे, लेग्स को ज्वाइन करेंगे, एक जंप राइट एंड एक जंप लेफ्ट, एंड राइट लेग को उठाएंगे यहाँ से ऐसे होल्ड करेंगे एंड एक किक करेंगे, एंड जब यहाँ से पैर को ऊपर उठा के रखेंगे तो अपने इस पैर को भी उठा के रखेंगे, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि कमर यहाँ से इस पैर को उठाएंगे, पीछे वाले पैर को उठाएंगे और कमर को पीछे लेंगे पहले एंड फिर आगे पीछे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर और अच्छे से आप इस स्टेप्स को कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से करते हैं इसे काउंट पे थोड़ा
एंड फिर इसे थोड़ा फास्ट करेंगे एंड इस स्टेप को खत्म करेंगे। एक बार फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को रेडी, 1 2 3 and 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से थोड़ा फास्ट करेंगे म्यूजिक के अकॉर्डिंग, चलिए 5 6 7 को रेडी। लगलू पसारे तू तपा